हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, फाइनली वो चीज आ चुका है जिसके लिए आप इतना दिन से वेट कर रहे थे। और मेरा हर एक वीडियो में कोई ना कोई बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई सुपर पॉइंट मिशन कब आएगा। तो फाइनली गेम के अंदर वो इवेंट आ चुका है और मैं बताना चाहूंगा क्यों ये डिले हुआ। तो पिछले बार सुपर पॉइंट मिशन आपको पता है बहुत ही जल्दी आ चुका था, बट इस बार आप बोल सकते हो फाइनली आज जाके आपको सुपर पॉइंट मिशन आपको दिखाई दे रहा। तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। पिछले बार जो रॉयल पास था उसका टाइम पीरियड केवल 30 डेज का था, मतलब एक महीना का था, बट इस बार जो रॉयल पास है ना ये 45 डेज का था। इसी चलते हमेशा एक चीज याद रखना कि 50 लेवल होने से ही आपको सुपर पॉइंट मिशन नहीं मिलेगा, आपको आखिरी का 2 वीक का वेट करना पड़ेगा तभी जाके आपको सुपर पॉइंट मिशन मिलेगा। चाहे वो पबजी मोबाइल क्यों ना हो 100 RP का, मैं आपको दिखा देता हूँ। 100 RP में भी ये बंदे का ऑलरेडी 100 RP कंप्लीट हो चुका, बट इसको भी सुपर पॉइंट मिशन नहीं मिला क्योंकि अभी इसका जस्ट रॉयल पास स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग वीक से या स्टार्टिंग मंथ से ही मिल जाएगा, आपको आखिरी का 2 वीक का पहले सुपर पॉइंट मिशन मिल जाएगा जिसको आप यूज़ करके अपना जो एक्स्ट्रा आरपी पॉइंट उसको कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इस बार सुपर पॉइंट मिशन का इतना डिमांड क्यों हो गया तो मैं बताना चाहूँगा। काफ़ी लोगों का मिथिक फैशन जो मिशन है वो कंप्लीट होने वाला है ये सुपर पॉइंट मिशन के चलते। कैसे, चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इधर आप देख पा रहे, इधर आपको दिखाई दे रहा रिडीम शॉप, और इसमें तो आप देख पा आखिरी में 3 मिथिक बोल सकते चीज़ें बीजेम एक्सक्लूसिव इसके अंदर डाला है। ऐसे अगर पबजी मोबाइल के अंदर आप 122 का रिडीम शॉप में जाओगे तो ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा, बट बीजेम के अंदर आपको दिखाई दे रहा। और ये चीज़ इसलिए किया गया कि जब हम लोग का मंथ 14 स्टार्ट हुआ था उस टाइम लोग गेम बैन हुआ था, तो इसी चलते मैक्सिमम लोग इसको ले नहीं पाए थे। 50 लेवल का ये आउटफिट है और मास्क एंड हेडगियर है, तो इसी चलते ये वापस से डाल दिया गया। और जो जो बंदे के पास यूसी थे वो तो रॉयल पास ले लिए थे, बट जिसके पास यूसी नहीं था वो नहीं ले पाए थे। इसी चलते अभी उन लोग के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ये सामान को ले सकते हो। तो इधर मेरा तो तीनों का तीनों ओन है इसलिए इसका कॉस्ट नहीं दिख रहा, बट आप देख पा रहे इसका कॉस्ट कुछ ऐसा रहने वाला। अगर आपको मिथिक फैशन वाला मिशन कंप्लीट करना है ना, ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है कि आप 3 मिथिक फैशन का जो पॉइंट है ना इजिली एक ही जगह से बढ़ा सकते। सो मार्क्स लेने के लिए 250 RP पॉइंट चाहिए और हेडगियर लेने के लिए भी 250 RP पॉइंट चाहिए। और अगर आपको आउटफिट लेना है ये वाला तो इसके लिए आपको 2000 पॉइंट लगेगा, तो उसके लिए आपको सुपर पॉइंट की जरूरत पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम लोग 360 वाला रॉयल पास परचेस करते हैं, मतलब 300 UC वाला, जिसके चलते उतना ज़्यादा तो आरपी पॉइंट नहीं होगा। ये दोनों तो वो लोग ले लेते हैं उसी के साथ, बट ये वाला के लिए थोड़ा सा इशू हो रहा था इसलिए सुपर पॉइंट मिशन का जरूरत था। फाइनली वो चीज़ गेम के अंदर आ चुका है। इधर आप देख पा, अगर आप 50 RP की हो तो आज से सुपर पॉइंट मिशन आपको देखने को मिल रहा है। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आप सबके सामने क्लियर है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ न्यू यूजर के लिए। ये जो सुपर पॉइंट मिशन है ना इसका 3 राउंड होता है या 3 पैक आप बोल सकते हो। पहला पैक का जो कॉस्ट है वो 100 UC होता है, उसके बाद सेकेंड पैक जो आएगा वो 200 UC का होगा, और जो तीसरा पैक आएगा वो भी 200 UC का होगा। टोटल 3 राउंड या 3 पैक बोलोगे तो 500 UC का होता है, जिसमें आपको 3000 RP पॉइंट मिल जाता है। ये आपको RP रैंक से एक्स्ट्रा मिल रहा है। जो जो बंदे इसको परचेस करेंगे उन्हीं को केवल 3000 पॉइंट ज़्यादा मिलेगा 500 UC में। और जनरली अगर आप देखोगे, अगर आप डायरेक्टली RP पॉइंट खरीदने जाओगे तो 100 UC का आपको 100 पॉइंट मिलता है, या 65 UC का आपको 100 पॉइंट मिलता है अगर आप डिस्काउंट करोगे। बट ये इवेंट का फायदा लेने से आपको 500 UC में टोटल 3000 पॉइंट आपको मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप 100 UC का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी आपका मिशन कंप्लीट होगा, बट करने से ये होगा कि आपको कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। अगर आप नहीं परचेस करोगे तो आपको पॉइंट कलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। सिंपली आपको मैचेस खेलना, 60 मिनट अगर आप खेलोगे कोई भी मोड तो आपका ये काउंट होगा, जिसमें आपको 150 पॉइंट मिल जाएगा। 120 मिनट तक खेलोगे तो आपको मिल जाएगा 150 पॉइंट एक्स्ट्रा। अकॉर्डिंगली आप देख पा, अगर 540 मिनट तक खेलते हो कोई भी मोड, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको 1000 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और वो चीज़ को क्लेम करने के लिए आपको 100 UC का ये परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये सब चीज़ क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे आप 540 मिनट कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 1000 RP पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये 100 हट के 200 हो जाएगा, तो 200 का आप एक और परचेस कर सकते हो। उसमें भी आप 540 मिनट तक अगर आप खेल लेते हो कोई भी मोड तो आपको वापस 1000 पॉइंट मिलेगा। उसका तीसरा पैक आ जाएगा, वो भी आपको 200 UC का ही लेना होगा, और उसको भी आप 1000 पॉइंट उधर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, जैसे आपको यूसी डालना है ठीक है यूसी डाल दोगे, और उसके बाद आप जैसे नॉर्मल मैचेस खेलते हो कोई भी मोड्स खेलो, इसमें पर्टिकुलरली देख देख के करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपको गेम खेलना, गेम जैसे आप खेलोगे कोई भी मोड तो ऑटोमेटिकली काउंट होते जाएगा टाइम, और अकॉर्डिंगली आप उसके बाद
इसको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ अच्छा है कि अगर आपके पास अभी यूसी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम जो है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद में आप यूसी परचेस करके इसको क्लेम भी कर सकते हो। तो टाइम कैलकुलेट होना आज से स्टार्ट हो जाएगा, आज से जितना भी मैचेस खेलोगे, जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट करोगे गेम के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट एक चीज़ मेक श्योर करना कि आपका आरपी जो होना चाहिए 50 लेवल, 50 आरपी नहीं होगा तो तब आपको ये सुपर पॉइंट वाला जो सेक्शन है ना ये नहीं दिखेगा। 50 आरपी हो जाएगा उसके बाद आपको ये पॉइंट दिखेगा, नहीं तो उसके पहले आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया ये इवेंट के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आपको नॉर्मल गेम्स खेलना है और वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते जाएगा। जैसे जैसे कंप्लीट होगा तो आप उसको क्लेम करते जाओ। तो चलो हम लोग को तो खरीदना है, एटलीस्ट मैं एक परचेस तो करूँगा ही, तो 100 उसी का एक पैक में ले लेता हूँ। ओके, जैसे आप देख पा रहे मेरा ये खुल चुका है, बट अभी मेरा एक भी चीज़ कंप्लीट नहीं, क्योंकि ये मिशन जस्ट अभी आया। जैसे मैं आज खेलना स्टार्ट करूँगा एक एक करके काउंट होगा और अकॉर्डिंगली 60 मिनट होगा तो मुझे पहला 150 पॉइंट मिलते जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। 540 मिनट बहुत ही ईजी हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है रॉयल पास आने में, जो कि 13 अगस्त को आने वाला, लगभग 3 वीक बचा हुआ है, 3 वीक से थोड़ा कम है, बट ईजिली आप आराम से कर सकते हो। डेली का अगर 2 घंटा भी खेलोगे, 1.5 घंटा भी खेलोगे, फिर भी इजीली हो जाएगा। चलो इतना ही रखते हैं वीडियो को, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।